नहीं, पेपर मैं की भी अरीशा नहीं। और मिर्ची के बारे में आप डिफरेंस पूछ रहा हूँ। आपने ठीक मुझे है, बताया कि अरीशा कम्प्लीटली डिफरेंट है अरीशा कम्प्लीटली डिफरेंट है। और मिर्ची कम्प्लीटली डिफरेंट है, यस, उस डिफरेंस के बारे में आप हमें बताएं उस थोड़ा। डिफरेंस के बारे में ही बताऊँ। आप मुझसे मिल चुके हैं, आपको पता चला होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखें, ये अरीशा है। अरीशा बिल्कुल सिंपल, ना उसे ना फैमिली इवेंट्स वगैरह में जाना, इतना स्टेटस बिल्कुल भी नहीं। मैं फैमिली इवेंट्स में भी नहीं जाती हूँ। और अब मिर्ची, अब आप देख लें मिर्ची में, सब देख रहे हैं मिर्ची कैसी है। मिर्ची तो हर बात पे स्टेटस हर अपलोड बात पे कर देती, स्टेटस तो अल्लाह का पक्का वादा, अरीशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे हो अरीशा गया, अल्लाह के पक्के वादे नहीं अब करती मैं किसी से। कहती हूँ, अब मैं कहती हूँ अल्लाह का पक्का वादा, मम्मा ऐसे नहीं करूँगी, मम्मा ये देख ले आप। इस तरह होता है फिर। और आप इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें आप नहीं यूज़ करती, फेसबुक करती हूँ, अब थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। आप यूज़ कर रही हैं? आप कोई ऐसी प्रोफाइल जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ, जहाँ पे वो आपको रीच आउट कर सकें जिनको नहीं वो पता? मुझे रीच आउट कर सके, बट मेरा अकाउंट है प्राइवेट, अच्छा, प्राइवेट अकाउंट है, जो कि तो होना चाहिए, अभी आप छोटी होना हैं। चाहिए। हाँ, अभी आप छोटी हैं अब अभी ओनली तो। मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स। मैं हाँ अब मैंने इतना अपना वो नहीं बनाया ठीक कि है, मुझे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और आपने ज़्यादा तंग भी नहीं करना है, ये ना हो कि आप ढूंढना शुरू कर दें कि अरीशा कहाँ पे, और तंग करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं, रिशा सुल्तान आईडी आप सर्च करें इंस्टाग्राम पे, अभी जाएं और सर्च करें और फिर आप लोग को मिलेंगे रिशा। ठीक है, अब अरीशा की मर्जी है इसमें भाई, तभी आप सर्च कर सकते हैं। मुझे बताएं सेट के ऊपर जब आप गई हैं, आपके सीन ओनली गर्ल्स। ओनली गर्ल्स, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली गर्ल्स रीच आउट टू अरीशा, ओके, नोबडी एल्स। मुझे ये बताएं, जब आप सेट के ऊपर गईं, आपके साथ आयजा खान काम कर रही थी, आपके साथ ओबी थे, फिर आपके साथ असमा अब्बास साहबा के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, बड़े ज़बरदस्त आपके सीन है, इतनी वो वेटरन एक्ट्रेस हैं, बड़ी अदाकारा हैं, उसके उनके अलावा भी जो बाकी भी कास्ट थी, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो आपको सेट के ऊपर सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करने में मैंने मज़ा आप आया? अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि मैं बहुत अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत सारे लेजेंड्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। उनके साथ काम करना मुझे मिला तो मुझे बहुत, मैंने उनके साथ बहुत वो किया, उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब वो के कैरेक्टर कर रही होती हैं, उनका क्लोजअप हो रहा होता है, तो मैं उन्हें देख रही होती हूँ, ऑब्जर्व कर रही होती हूँ उनका सीन। कभी कभी मैं वो भी बन जाती हूँ, कभी कभी, मतलब कभी कभी मैं भी बन जाती हूँ, कभी कभी मैं मिर्ची भी बन जाती हूँ। तो इस तरह होता है मेरे साथ। तो सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया आपको सीन्स करके? बेबे, अरसलान, सबके साथ बहुत मज़ा आया मुझे। अब मैं नाम लूँगी ना, आप सब नाम आ लें, जाएंगे, आप सब नाम लें, सब आएंगे उसमें, सब आएंगे। सब। नहीं, क्योंकि होता ना किसी एक के साथ तो शायद नाम, किसी ने डांट दिया हो आपको किसी दिन कि अरीशा लेकिन तुम अपने सीन सही से नहीं करती, डायलॉग याद करके आया करो। आप ऐसा अक्सर सोचो भी, तो आप नेगेटिव ना सोचो कि उसने मुझे डांटा, ये किया। मामा कहती नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बट डांट तो पड़ी तो होगी ना, ऐसा नहीं है कि डांट ही ना पड़ी हो कभी सेट पे, किसी से नहीं पड़ी? नहीं, उसने दानिश देख अंकल मुझसे लो, बात करे, उसने रोजा दानिश रखा हुआ हम अंकल, लोगों ने अब ऐसे हाँ तो, मैंने भी रखा हुआ है, तो लेकिन फिर सच में नहीं पड़ी मुझे किसी से डांट। किसी से डांट नहीं पड़ी? उस दिन दानिश अंकल मुझसे पूछता, रिशा मैंने वो कभी डांटा है? मैंने कहा नहीं, वो तो होता है, अगर डायरेक्टर आपको कह भी रहे हैं तो आपकी उसके लिए कह रहे हैं कि आपका कैरेक्टर अच्छा हो या इस तरह, लेकिन उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं है वैसे। तो जब आप ये इतने आपके जो सीन्स हैं, अभी हमने एक एपिसोड में देखा कि ये रक्षे में बैठी खुद ही पुलिस स्टेशन मुझे पहुंच पुलिस गई स्टेशन जा रही मिर्ची, हूँ। और वहां पे आइसक्रीम खा रही थी। तो जब सीन्स कर रही थी आप सेट के ऊपर, ऑब्वियसली मतलब बहुत एक लंबा पीरियड होता है सेट पे रहना होता है, आपको बहुत घंटे चाहिए होते हैं, तो थकती नहीं थी आप सेट पे जाके? कभी कभी तंग आ जाती होगी, यार बस बहुत हो आप गया, आई एम टायर्ड नाउ, घर एज अ, जाना अब है। मैं देखिए, अब मैं छोटी हूँ ना, तो अब मैं इसको एज अ फन लेती हूँ, नॉट एज अ जॉब लेती हूँ, ठीक है ना। तो इतना मुझे नहीं वो होता, मुझे इसमें बहुत अक्सर हम आउटिंग पे ना जाएं, शूट पे चले जाएं, तो इसमें मेरी आउटिंग हो जाती है, बहुत सारे लोगों से मिल लेती हूँ मैं, एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ मिल के, बातें वगैरह करना, उनसे एक्टिंग वगैरह रिव्यूज सीखना, सब कुछ तो अभी जब आपने पूरा ड्रामा शूट किया शूट चुपके किया। जी चुपके, जी तो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा टाइम था जो आपको, कोई ऐसा सीन हो, कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको बड़ा चैलेंजिंग लगा हो, लगा हो यार ये सीन बड़ा मुश्किल था, अभी जब आप सोचती हो पहले कि यार ये मैंने सीन किया था वो, उस पर मुझे बड़ा टाइम लगा था, वो डायलॉग याद करने में बड़ा टाइम लगा था? डायलॉग में नहीं लगा, लेकिन जो मूवमेंट के सीन होते हैं ना, जैसे इधर जाना है, अभी ये करना है, और मिर्ची तो है थोड़ी सी ऐसी मिर्ची चुलबुली तो टाइप, बैठती नहीं है कहीं पे सुकून तो से। उसमें थोड़ा सा वो हुआ था, लेकिन डायलॉग्स वगैरह एक्सप्रेशंस वगैरह अच्छे थे, तो मैं उसको उससे कवर कर लेती थी, एक्सप्रेशंस से और डायलॉग मसलन से। जैसे अब देखें यार, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं ना अच्छा अभी। नहीं मैं सिर्फ हाँ ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा एक सीन जो आपको मुश्किल वो लगा, वाला सीन, कौन सा वाला? वो जो मैं आयजा पी के लैशेस लगा रही होती हूँ, अच्छा, वो उसमें मैं मुश्किल एक ही जगह पे खड़ी हुई थी, देखा था आपने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये कौन वो से जो एपिसोड? फकजी भैया आ जाते हैं, एपिसोड नहीं पता मुझे, वो जो मैं उनको लैशेस लगा रही होती हूँ, अपने ये दूल्हा से उनकी मिलने जा रही शादी के होती बाद हैं, बात का तो नहीं अशर जब? भाई, जब वो अशर भाई से उनकी शादी हो रही होती अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा तब 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 की तब बात है, वो ठीक है बहुत ठीक है शुरू के ठीक एपिसोड हैं।
ठीक है, और ऐसा सीन जो करने में आपको बहुत मजा आया, कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसा? मुझे अपने डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और सबके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। जैसे देखें आप, वो वाला था कि ना, जब मैं बाहर से अशर भाई से मिल के आई, हील्स पकड़ी हुई थी मैंने तो ऐसे ऐसे करी थी, और जब मैं अंदर आई मैंने कहा, वो कह रही है कि उनकी वो इन लॉ आई हुई उनके साथ, सास आई हुई उनके साथ, तो मैं कहती हूँ गाड़ी में तो थी नहीं और डिग्गी मैंने देखी नहीं। इसकी माँ नहीं आई साथ? गाड़ी में तो थी नहीं और डिग्गी मैंने देखी नहीं। लड़का अकेले आ गया आपको वो वाला अब्बा के गुल्लक से जो मैं पैसे ले रही होती हूँ, वो वाला मेरा फेवरेट सीन। अब्बा के गुल्लक से वैसे काफी पैसे आप लोग निकालते रहते हैं, खत्म नहीं हुए उनके पैसे माशाल्लाह, काफी पैसे उन्होंने। आगे ट्विस्ट भी आएगा थोड़ा सा। अच्छा, आप ये तो आपने देखा ना, सरप्राइज कर दिया हम सबको। किस तरह का ट्विस्ट बताओ, नहीं क्या ट्विस्ट होगा, लेकिन किसको लेके, मतलब किस तरह का? सबको लेके। अब अच्छा, एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है तो हमें तो लगा कि चुपके चुपके में तो बस यही है, हंसी मजाक अल्लाह गुल्ला। देखें ना अब। अच्छा, कौन सी एपिसोड के बाद आएगा, ताकि ये ना हो ना आपका इंटरव्यू चल चुका हो तब 20, मतलब अभी चलने वाला है, अभी चलने वाला है। आज रात को आ सकता है, परसों आ सकता है, कल आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो एक्टिंग के अलावा आपके और क्या शौक है रिचा? मुझे ट्रैवलिंग करने में बहुत मजा आता है, मुझे नेचर को देखने में, उसको एक्सप्लोर करने में, ट्रैवलिंग। जैसे हॉबीज आप पूछ रहे हैं ना मेरी, ट्रैवलिंग मुझे अच्छी लगती है, और देख लें एक्टिंग तो मैं कर रही हूँ, वो भी मेरी हॉबी है, समझ लें आप ऐसा। हॉबी समझूं? हाँ, मैं ये ना समझूं कि आप एक्टिंग में करियर अपना बनाना चाहती हो आगे चलते? नो, अब पढ़ाई पे मुझे थोड़ा फोकस करना है ना। अच्छा, लेकिन आप तो इतनी अच्छी एक्टर हो, और फिर अब मैं अभी 8th ग्रेड में हूँ, अब बस दुआ करें मैं इसमें वो करूँ, फिर इंशाल्लाह आप क्या पता एज अ हीरोइन देख लें मेरी। मैं बिल्कुल वैसा हो सकता है। फीडबैक क्या आता है आपको दोस्तों की तरफ से, 8th ग्रेड में हैं आप माशाल्लाह? मेरी फ्रेंड्स मुझे सारी मीम्स सेंड कर रही होती है मेरी, और मैं हंस रही होती हूँ बैठ के, और घर वाले मामा पापा सब खुश हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन छोटी बहन जो है ना, वो भी बहुत, उनको बहुत मजा आता है मेरा, लेकिन उनके सामने ऐसा है घर दा पीर चुलदा वटा तो ये वाली बात हो जाती है सामने। तो आपने मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपको अभी भी बहुत सारी लड़कियां रीच आउट करती हैं, डीएम्स करती हैं, मीम्स भी भेजती हैं, बहुत फीडबैक आता है। और एक सवाल जो सभी आपसे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आपके बाल बड़े अच्छे हैं, है ना? मेरे बाल जनते के मामा नानी, मामा भी मुझे कल रात को ऑयल लगाया था मामा ने। हाँ, तो मुझे ऑयलिंग इरिटेटिंग होती है, लेकिन इरिटेट होती हूँ मैं उससे, लेकिन फिर मजा भी आता है, मजा भी आता है। हाँ, तो जो आपसे फिर आप पूछते हैं कि आपके घने बालों, स्याह बालों का क्या राज है रिशा, तो आप मुझे कह रहे हैं ट्यूटोरियल बनाओ अपने बालों को लेके, आप अपना मेकअप बताओ। लेकिन अब रमजान है, रमजान में रोजे रखे, अपना ड्रामा देखे, क्या करें पढ़ाई भी करें। हाँ, पढ़ाई भी करें। हाँ, तो अब आपने ये प्लान किया कुछ, किस तरह के ट्यूटोरियल्स आप बनाना शुरू करो, या कोई अपना शायद यूट्यूब चैनल आप लॉन्च कर दो, ऐसा सोच रही हो या नहीं? नहीं, नहीं। तो फिर देखिए, आप मैंने आपको बताया मैं एक्टिंग में कैसे, मेरा माइंड था नहीं था, मेरा माइंड नहीं, अब मैं जो भी आगे करूंगी मेरा माइंड नहीं होगा, बस खुद ही होता जाएगा। जब वो मैं उसमें एंटर होंगी उसमें, तो फिर मुझे मजा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अरीशा ने बैठ के सोचा हुआ कि यार मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। देखिए, अगर आप उस चीज में जाते हैं तो आपका, जैसे अगर मुझे कह रही हूँ कि मैं अभी मुझे पढ़ाई करनी है, तो 100% इसमें होता है आपका, जैसे 100% आप समझे कि ये मेरा काम है मैं करूँगी इसमें, 50% अगर आप मेहनत करें उससे हो जाता है, 50% अल्लाह ताला खुद आपका काम कर लेते हैं। जैसे अब मैं मिर्ची का बता रही हूँ इसमें, बहुत मुझे मतलब 50% मैंने की, 50% अल्लाह ताला ने, और सबने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इसमें। तो जब मैं 12-13 ईयर्स का था, तो मेरा तो एक सोचा हुआ था मैंने कि यार कि मैं ये बनूंगा। तो आप अभी 12-13 इयर्स की हैं, आपने कुछ सोचा है एक्टिंग से हट के भी कि यार कि मैं ये बनूंगी, या होता ना पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या हमारा बच्चा, मैं आपको पता है मैं किसी दिन मिर्ची तो बन रही हूँ, किसी दिन डॉक्टर बन रही हूँ, किसी दिन मैं क्या, बस मैं अलग अलग, किसी दिन होस्टिंग कर रही हूँ मैं, बहुत अलग अलग मेरे वो है, बस चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है मेरा। ऐसा नहीं है कि आपने ये सोचा हुआ कि मैं पढ़ाई करूंगी, ये होगा, फिर मैं कॉलेज जाऊंगी। लेकिन पढ़ाई तो करूंगी ना, मतलब पढ़ाई करके मैं इस कॉलेज में जाऊंगी, फिर इस कॉलेज के बाद इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, और यूनिवर्सिटी के बाद मैं ये बनूंगी, ये करियर परसू करूंगी, ये इस तरह के सब्जेक्ट चूज करूंगी, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी में, मतलब मैंने सोचा हुआ है, लेकिन मतलब इंटरेस्ट होता है ना कि इस तरह इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने लिया अभी बायो है। बायो है तो साइंस में आपके इंटरेस्ट है, तो ऐसा लग सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम के 15 साल बाद कोई पता चले कि यार वो जो अरीशा आई थी ना मिर्ची बनी थी चुपके चुपके में, वो अब मेरी डॉक्टर है। मैं सीएसएस के एग्जाम्स दे सकती हूं। हो सकता है सीएसएस के एग्जाम्स, तो ये भी हो सकता है। तो आप माशाल्लाह उस जोन में है कि यार की जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है,
तो ऐसा उसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपका काम खुद ही आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रखें, थोड़ा जब आप वो स्टार्ट कर लें इससे पहले ना सोचे कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है। जैसे अब मैं आज इंटरव्यू के लिए आ रही थी, मैंने बहुत सोचा था कि अब मैं क्या करूंगी, मैं ये क्या करूंगी वो क्या करूंगी, लेकिन हो गया। अब देखिए मैं बैठी हूं। क्या क्या सोचा था आपको, क्या लगा कि मतलब क्या होगा, किस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि कुछ चीज हमने मिस आउट तो नहीं कर दी, कोई मैसेज कोई ऐसी चीज नहीं, नहीं, जो आप शेयर करना। लेकिन आप मुझसे मीम्स पूछे ना। हाँ, बहुत मीम्स बन रही हैं आपके ऊपर, इसकी क्या, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? वैसे ये बताओ कि आप भी ड्रामा देख रही हो और हम लोग सब ड्रामा देख रहे हैं, जब आप ड्रामा देख रही होती हो, आपने तो परफॉर्म किया, आपने सब लोगों के साथ काम किया, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की ऐसी क्या बात है कि जो कि इसका इतना बड़ा इतना स्ट्रॉन्ग इसकी फैन फॉलोइंग बन गई है? ये भी नहीं कि अच्छा लग रहा है लोग इंजॉय कर रहे हैं, बट इस तरह से कर रहे हैं जैसे आप भी कह रही हो कि मीम्स भी बनना शुरू हो गए हैं, लोग डीएम भी करना शुरू हो गए हैं, बालों के बारे में पूछना शुरू हो गए हैं, ट्यूटोरियल का कहना शुरू हो गए हैं, तो इतना ज्यादा ये जो क्रेज चुपके चुपके का आ गया है, आपको पर्सनली क्या लगता है इसकी क्या वजह? इसमें जो लोग हैं ना, हर किसी की अपनी अपनी खूबी है, आप समझे, कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की भी है, कैरेक्टर्स की भी है। जब वो उसमें उसको अपने जहन में रख लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं, तो उसमें आप खुद ही मतलब जैसे देखिए अभी आप हर किसी की खूबी देखें ना, तो उससे फिर लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये